आपका सिंथेसिस के अंदर एक तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स हो चुका है, उसकी एक्सरसाइज भी हो गई है, ऐसे सिंपल कल कंप्लीट हो गया था सिंपल का आपका। आज जो है सिंथेसिस का थर्ड टॉपिक चल रहा है जो कि लास्ट है, कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, जो हमने कंजक्शंस में किया था कुछ वर्ड, जैसे एंड किया था, बट किया था, सो किया था, ठीक है, ऐसे ही कुछ वर्ड आएंगे जो मैं आपको पर्टिकुलर वर्ड बता रहा हूँ कौन कौन से आएंगे, तो उन सबको मैं वर्ड सारे बता रहा हूँ, उसका एक एक यूज़ भी आपको बता रहा हूँ। जैसे एंड की बात करें, एंड का मतलब हिंदी में होता है ओर, ठीक, ये पॉजिटिव शो करता है, पॉजिटिव। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लो ये आया राम केम, ठीक, ही स्लैप्ड, राम आया वह सो गया, तो राम आया और सो गया, तो सिंपल। तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप की जगह एंड स्लैप्ड भी लिख सकते हैं, एंड ही स्लैप्ड। इसमें हम सब्जेक्ट भी ना लिखें तो भी चल जाए, राम एक ही व्यक्ति है, राम ही आया है और राम ही सोया है, तो राम केम एंड स्लैप्ड, दोनों बातें सही हैं। एंड जो है वो पॉजिटिव शो करता है, क्लियर। तो इसमें जैसे हम डायरेक्ट बनाए सेंटेंस, ही इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, क्लियर, इंटेलिजेंट भी है और होशियार भी है, ईमानदार भी है, सॉरी। तो ये एंड जो है पॉजिटिव शो करता है, तो जब भी पॉजिटिविटी आ रहा हो, मैंने आपको आमंत्रित किया और आप आए, मैंने पैसे दिए और सामान लिया, तो एंड, ठीक। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये जो एंड वाला था, एक एक इसका एक और यूज़ कर लें एंड, और यहीं पे एक वर्ड और लिख लें, नॉट ओनली बट आल्सो, इसको एक साथ करा देता हूँ। तो इसका मतलब जहाँ एंड आ रहा है वहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो भी आ सकता है, लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो का मैंने आपको एक यूज़ कराया था कि नॉट ओनली कंजक्शन में कराया था, वही कंजक्शन को एक बार फिर यूज़ कर रहा हूँ। दो डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर दो डिफरेंट विशेषताएं, जैसे ही इज वाइज, ही इज ऑनेस्ट। सब्जेक्ट तो यहां एक है, लेकिन उसके बारे में दो बातें दे रखी हैं, वाइज और ऑनेस्ट। तो मैंने कहा था या तो सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट से पहले नॉट ओनली, दूसरे डिफरेंट सब्जेक्ट से पहले बट आल्सो आता है, या फिर उसकी क्वालिटी आएंगी, तो क्वालिटी, एक क्वालिटी से पहले नॉट ओनली। तो इसका प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं, ही इज वाइज एंड ऑनेस्ट, या तो एंड का यूज करके, ही इज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ही इज पहले आ चुका है, या इसका एक यूज और है, ही इज नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो ऑनेस्ट, दोनों ही बातें सही हैं, क्लियर, दोनों ही बातें सही हैं, वाइज एंड ऑनेस्ट भी सही है, नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो ऑनेस्ट, और एक और भी सही है, ही इज बोथ। यहां पर हम चाहें बोथ के साथ एंड आता है, ही इज बोथ वाइज एंड ऑनेस्ट, ही इज वाइज एंड ऑनेस्ट ये भी सही है, ही इज बोथ वाइज एंड ऑनेस्ट ये भी सही है, ही इज नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो ऑनेस्ट ये भी सही है। तो इसका मतलब जहां एंड आ सकता है वहां पे नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आ सकता है, दो वर्ड आपके हो गए। एक करते हैं सो। सो का मतलब इसलिए, ये कोई रिजल्ट बताता है, जैसे एग्जाम्पल, ही इज इल, ही विल नॉट कम, ठीक, वह बीमार है वह नहीं आएगा, वह बीमार है वह नहीं आएगा, वह बीमार है इसलिए नहीं आएगा, तो इसलिए, तो यहां पर आ रहा है ही इज इल सो ही विल नॉट कम, सो ही विल नॉट कम, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, सो का यूज कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको आवाज दी, जैसे सपोज आई कॉल्ड यू, मैंने आपको बुलाया,
यू केम। पॉजिटिव है, आई कॉल्ड यू एंड यू केम, मैंने आपको बुलाया और आप आ गए, ये भी सही है, दोनों चल जाएंगे। मैंने आपको बुलाया इसलिए आप आए, या आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया। तो यहाँ पर इसलिए और एंड दोनों चल सकते हैं। तो कंजक्शंस जो कंपाउंड की, उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो वर्ड भी यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें, एक है बट। बट का अर्थ होता है लेकिन, ये निगेटिव अर्थ शो करता है। जैसे ही इज इल, ही विल कम, वह बीमार है वह आएगा, वह बीमार है लेकिन आएगा, निगेटिव। तो यहां पर ही इज इल बट, बीमार है इसलिए नहीं आएगा, ये तो बनता है, लेकिन जब निगेटिव बनता है बट ही विल कम, और इसकी जगह एक वर्ड और आता है येट। दो अर्थ होगा इसके, वह बीमार है लेकिन फिर भी आएगा, लेकिन भी और फिर भी, तो येट भी सही है और बट भी सही है। एक वर्ड स्टिल भी यूज होता है, स्टिल, स्टिल भी यूज होता है, और स्टिल का ये तीनों वर्ड सही हैं, वह बीमार है लेकिन आएगा, मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया लेकिन फिर भी वो आएगा। तो फिर भी, स्टिल और येट और बट, तीनों वर्ड एक है। एक छोटा सा मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि जब भी जैसे हम लिखना है ही इज स्टिल रीडिंग, ये मुझे याद आ रहा है, याद आया, स्ट्राइक करा भी माइंड में, तो इसलिए मैंने बता दिया। जैसे कि वो तो अभी भी पढ़ रहा है, वो तो अभी भी खाना खा रहा है, पहले हम गए 10 मिनट पहले, क्या कर रहा था भाई, खाना खा रहा था जी, वो तो अब भी पढ़ रहा है, अब भी खाना खा रहा है, अब भी सो रहा है, अब भी लिख रहा है, तो अभी क्लास में बैठा हुआ है, तो अब भी जो वर्ड है ना स्टिल, ये स्टिल शो करता है कोई काम का होना, तो स्टिल जब भी आता है आईएनजी, लेकिन यहां पर हम इसको स्टिल को यूज कर रहे हैं, फिर भी वो आएगा। तो यहां पर मैंने आपको येट भी करा दिया। एक वर्ड है अदरवाइज, या और, दो वर्ड है। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, और का मतलब होता है वरना, क्लियर, दोनों का एक ही अर्थ है। जैसे हम कहें रन फास्ट, यू विल मिस द बस, तेज दौड़ो आप बस मिस कर दोगे, तेज दौड़ो वरना, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो यहां पर दोनों में से कोई सा भी एक वर्ड लगा सकते हैं, रन फास्ट और भी सही है और अदरवाइज भी सही है। ये एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक दे सकते हैं, कहीं सेंटेंस में नीचे अंडरलाइन कर देंगे, इंप्रूवमेंट पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा आएगा, तो जब आप बनाएंगे, जब ही बना पाएंगे, जब आपको उसका पता है, वहां पर नीचे कई सारे वर्ड दे देंगे, ठीक। तो और भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, एक आयदर और आपने पहले भी किया था, आयदर और, एक आयदर के साथ एक वेदर भी होता है, आयदर हो या वेदर, ये वर्ड हमने पहले भी कंजक्शन में कर चुके हैं। आयदर का मतलब पॉजिटिव, तो जब आयदर और हो, नैदर और हो, आयदर और, नैदर और, ये सब जो हैं दो डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, दो डिफरेंट क्वालिटी। जैसे ही इज थीफ, शी इज थीफ, तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वह चोर है, ही हो गया, फिर शी इज थीफ। अब यहां पर दोनों में से एक चॉइस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट दो हैं, तो हम क्या करेंगे, Either he or she। तो either से पहले, मतलब सॉरी, सब्जेक्ट से पहले either, एक दूसरे सब्जेक्ट से पहले और फिर is लगाएंगे, is thief, is क्यों आया, बाद वाले के अनुसार वर्ब आती है, she के अनुसार क्या आना चाहिए, is,
तो या तो वह या वह चोर है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ये वर्ड आइदर और का प्रयोग मैं कंजक्शंस में आपको ऑलरेडी करा दिया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यहाँ पर नहीं बता रहा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्लियर। एक दो सेंटेंस और देख लें, येट का मैं प्रयोग बता चुका हूँ, फिर भी एक बार यूज देखें। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। एक सेंटेंस और देखें, ही वर्कड हार्ड, ही पास्ट। जो हमने वर्ड यूज करे थे, जो अभी हमने कराए हैं आपको, उनमें से थोड़ा सा देख लें। उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया। अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो यट, और जहां यट आएगा वहां बट भी आ सकता है और स्टिल भी आ सकता है। उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया। उसने मेहनत की इसलिए वो क्या हो गया, पास हो गया। अब मुझे इसमें नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो की करानी होती है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। चलो इस एक्सरसाइज में, इस उसमें इतना ही रखते हैं।